गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज आपका टॉपिक है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अभी आपको वीडियो देखना है और साथ में ये कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके बच्चों, दिए गए इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, फेयर नोटबुक में, साथ में डेट मेंशन करेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवीज़न तो आप उसी मेथड से ही करें, केवल आपको डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है ये आपको देखना है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने वर्कशीट दी है पूरी, सॉल्व शीट, जिसमें आपको देखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले 7590.12 को डिवाइड करना है 12 से। तो बच्चों डिवीज़न मेथड तो वही है जैसे आप करते हैं, केवल अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ते गए और यहाँ ज़ीरो आ गया, ज़ीरो के बाद अब आपने देखिए 1 और 0 के बीच में डेसिमल पॉइंट है। अब आपको नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो हो गया 61 यानी 12 से डिवाइड करेंगे 61 को, तो 65 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार से 1 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाता है 632.51। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे, 4 3 12। अब देखिए यहाँ 12 है, 14 से 12 को डिवाइड किया बच्चों, तो यहाँ पे 2 बच्चा और बीच में यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से हटा करके सीधे क्वेटेंट में लगाएंगे। ठीक, जैसे पहले 3 बार पढ़ लिया, अब 3 का नेक्स्ट टेबल पढ़ने से पहले आपको पॉइंट लगा देना है। अब नंबर उतारेंगे 4, तो 24 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 देखिए 4 6 24, यहाँ से 4 6 24, फिर अब नेक्स्ट डिजिट इज 0। ठीक है, लेकिन अब 0 4 से तो 0 डिवाइड नहीं हो सकता है, 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 4। ओके, तो 4 ले लिए साथ में, लेकिन 4 लिखने से पहले बेटा क्वेटेंट में 0 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ हम 2 डिजिट नहीं ले सकते हैं। ओके, तो पहले हमने 0 उतारा था, अब हमको 4 भी लेना है, तो इसके लिए पहले हमें क्वेटेंट में 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अब आप पढ़िए 4 1 4। ओके, इसी प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी को आप बड़े ही केवल थोड़ा सा ध्यान देना है और आप इसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ 9.01 है और 1000 से डिवाइड करना है, तो बच्चों पॉइंट के पहले कितने नंबर्स हैं, पॉइंट से के राइट साइड देखेंगे आप तो 2 हैं, उनको आप काउंट नहीं करना है। ओके, आप लेफ्ट साइड जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है 30 हैं, शाबाश, अब 9 के बाद आपको कितने 0 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट और चाहिए ताकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सके। ओके, आप क्या करेंगे यहाँ पे 9 के लेफ्ट साइड आपको 0 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.00901। हमने बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, जैसे अब 10, तो 10 मीन्स क्या होता है, जैसे 27 है, 27 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल फाइंड करना है, यानी कि जो ये डेसिमल 7 और 1 के बीच में है, तो अब ये डेसिमल लेफ्ट साइड बढ़ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, यस 2 एंड 7 के बीच में। इसी प्रकार से जब 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 100 से 3 को 100 से डिवाइड करना है। ओके, 3 को 100 से डिवाइड करना है, आपको ये 0.74 नहीं चेक कर देखना है, बिल्कुल नहीं देखना, आप केवल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स देखेंगे, जिनको हम इंटीग्रल्स नंबर कहते हैं। ओके, इंटीग्रल्स यानी 3, अब 100 को 3 से डिवाइड करें तो 100 में 20 हैं, यस, और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप 2 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, 3 से लेफ्ट साइड में 0 इंक्रीज कीजिए, 1 2, देखिए 1 2 हो गया, नंबर्स आपको पूरे लिखने हैं, लेकिन डेसिमल कहाँ पर पहुँच जाएगा, 0.0374। ओके, तो इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस को ऐसे आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप ये नहीं पढ़ना है कि 7.707 को 1000 से डिवाइड करना है, आपको ये देखना है 7 को डिवाइड करना 1000 से, अब 7 1 डिजिट है, आपको 2 डिजिट और चाहिए, तो आप 7 से लेफ्ट साइड में 20 लिख देंगे,
ओके यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है, तो बच्चों यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। आपको पॉइंट के बाद के नंबर्स नहीं काउंट करने, नहीं देखने, केवल ये देखने पॉइंट से पहले कितने, तो 1 है और आपको कितने डिजिट चाहिए होंगी, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ 20 है, तो यानी 1 से पहले एक ज़ीरो और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 10 से आपको डिवाइड करना है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बिना सॉल्व किए हुए भी अपनी कॉपी में करेंगे, ओके बच्चों। तो अब आप इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे, साथ में कमेंट भी करें। बाय बाय।